बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन। आज इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रैक्टर्स मैनेजमेंट है। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या टर्म है? हमें डायरेक्ट एम्प्लॉय के साथ एडिशनल किसी वर्क के लिए जो कि आपकी रूटीन एक्टिविटीज से हट के है, या अपने काम को स्पीड अप करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क फोर्स की जरूरत होती है जो कि आपके डायरेक्ट बेसिस पर नहीं बल्कि टेम्परेरी बेसिस पर ऐड की जाती है, तो उसको हम एज अ कॉन्ट्रैक्टर डील करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट में हम तीन चीज़ें स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद सेकंड होगी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, जो कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे उसको कैसे प्लान एंड कोऑर्डिनेट करना है, और लास्ट पे आएगा मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ वर्क, कॉन्ट्रैक्टर के काम को मैनेज कैसे करना है और मॉनिटर कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कॉन्ट्रैक्टर्स की, वो कॉन्ट्रैक्टर्स की ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सेफ्टी प्रोफेशनल एक्यूरेट अमाउंट में प्रोवाइड करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। कॉन्ट्रैक्टर के साथ लेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लाइंट की भी होगी कि वो उनके जॉब को प्रॉपरली सेफ वे में कंप्लीट करवाने का रिस्पॉन्सिबल हो। बात करें सबसे पहले पॉइंट की, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इसमें जिस काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया जा रहा है उस काम के रिलेटेड उनकी रिस्क असेसमेंट चेक की जाएगी, उनकी मेथड स्टेटमेंट चेक की जाएगी, इसके साथ साथ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी चेक की जाएगी, लास्ट प्रीवियस जिस एम्प्लॉयर के पास वो लोग काम करके आए हैं उसका रिकॉर्ड लिया जाएगा, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उनसे प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें, उनसे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर सकें और इनके जो लास्ट वर्किंग एक्टिविटीज उसके बारे में पता कर सकें। रिकॉर्ड कीपिंग इनके पास चेक की जाएगी, इनके इल हेल्थ रिकॉर्ड क्या थे, एक्सीडेंट रिकॉर्ड क्या थे, नियर मिस रिकॉर्ड, एजेंट रिपोर्टिंग सिस्टम क्या था, तो ये तमाम चीज़ें इनकी रिकॉर्ड कीपिंग में चेक की जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया जा रहा है उसके रिलेटेड क्वालिफिकेशन और उनकी कंपिटेंट यानी जॉब लेवल एक्सपीरियंस उनका चेक किया जाएगा, और एट द एंड एक्यूरेट अमाउंट में हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल का उसके पास होना, ये भी एक लाजमी रिक्वायरमेंट है। अभी हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपकी जॉब एक्टिविटी नॉर्मल रूटीन में चल रही है उसकी इन्फॉर्मेशन आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ शेयर करेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्टर की इन्फॉर्मेशन या एक्टिविटीज होगी वो आप अपने डायरेक्ट एम्प्लॉय के साथ शेयर करेंगे, ताकि किसी भी किस्म की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके जो कि रिजल्ट करे किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट के नतीजे में। इसके बाद क्या होगा कि जो वर्क रिलेटेड रिस्क असेसमेंट होंगी, अगर आपका कुछ काम है जो वर्क जो कॉन्ट्रैक्टर के काम के साथ इंटरफेस हो रहा है, तो आप दोनों के दरमियान एक्सचेंज ऑफ रिस्क असेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क वो भी लाजमी होगी, और अगर उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए, आया वो कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए या क्लाइंट के डायरेक्ट एम्प्लॉयज को चाहिए, तो वो भी इस कोऑर्डिनेशन का पार्ट होगा, वो भी आपको लाजमी देनी पड़ेगी काम स्टार्ट होने से। रिस्क असेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जहाँ कॉन्ट्रैक्टर जो अपना काम नॉर्मली कर रहे हैं वो लोग उसके कंपिटेंट हैं, उसके एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन अगर आपके जॉब के एडिशनल उनके काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए दोबारा रिस्क असेसमेंट की जाएगी और उसके लिए एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये तमाम चीज़ें कोऑर्डिनेशन उस वक्त मोर कम्प्लेक्स हो जाएगी जब आपके साथ एक की बजाय एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर कंपनियाँ मुख्तलिफ काम को एक ही एक्टिविटी में परफॉर्म करने के लिए काम कर रही होंगी, तो प्रॉपरली कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन तमाम के लिए करना लाजमी होगा। अभी हम बात करते हैं जो लास्ट पार्ट है, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क। कॉन्ट्रैक्टर का काम अपने मैनेज कैसे करना है और मॉनिटरिंग किस लेवल की प्रोवाइड करनी है। तो मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है साइन इन एंड साइन आउट। कौन सा एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्टर इस साइट पर किस टाइम पर एंटर हुआ, किस टाइम पर आउट हो रहा है, ताकि उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। जो सुपरविजन है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर साइड वो हेल्थ एंड सेफ्टी में इनफ रहती है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है कहीं जॉइंट वेंचर पे जहाँ पे एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एडिशनल कंपिटेंट एक्टिव सुपरविजन प्रोवाइड करना पड़ेगी उसको, जो कि आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि भी किसी भी कंपनी या किसी भी प्लांट के लिए लाजमी होती हैं, जिसको हम कवर करेंगे इंडक्शन ट्रेनिंग में, और ये इंडक्शन ट्रेनिंग आपके काम स्टार्ट होने से पहले होगी। इस तरह जो हाई रिस्क एक्टिविटीज है, हाई रिस्क एरिया, उन पे सेफली वर्क कंप्लीट करने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज एंड कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हाई रिस्क एक्टिविटीज बाउंड कर देनी चाहिए परमिट ऑफ वर्क से, क्योंकि अगर आप डे टू डे रूटीन में वर्क एक्टिविटीज कर रहे हैं आपके लिए वो रूटीन एक्टिविटीज है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए हो सकता है वो हाई रिस्क एक्टिविटीज हो, तो कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज ये प्री प्लान प्री मैनेज हो जाएंगी कि कौन सी एक्टिविटीज को अंडर परमिट टू वर्क हम लेके जाएंगे। परमिट टू वर्क पे हम किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एट द एंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो निबोज IGC को आसान अल्फाज में उर्दू या हिंदी में करना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का बहुत